नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्शन निरूपण के अंतर्गत जो आस्तिक दर्शन का पांचवा दर्शन है अर्थात पूर्व मीमांसा दर्शन, या सिंपली इसको हम लोग मीमांसा दर्शन कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यह देखेंगे बहुत छोटा सा लेक्चर है, चैनल पे बने रहिए। देखेंगे सबसे पहले इसके पर्याय अर्थात सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। तो पर्याय की बात करते हैं तो इसके पर्याय कई नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे धर्म मीमांसा इसका पहला पर्याय है, क्योंकि इस दर्शन में जो प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा के नाम से इसका प्रथम सूत्र है, सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इसका पर्याय है धर्म जिज्ञासा, जैमिनीय धर्म जिज्ञासा, क्योंकि इसके जो प्रणेता थे आचार्य जैमिनी थे, इसलिए इसको बोला गया जैमिनीय धर्म जिज्ञासा बोला गया है। यज्ञ विद्या, इस दर्शन में यज्ञ को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए इसको यज्ञ विद्या भी कहा गया है। द्वादश लक्षणी इसके पर्याय है, और वाक्य शास्त्र इसका अन्य पर्याय है। आइए देखते हैं कि इसके बाद प्रवर्तक आचार्य, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, प्रवर्तक आचार्य कौन थे, प्रणेता कौन थे, आचार्य जैमिनी थे, आचार्य जैमिनी इसके प्रणेता है। उस पर देखेंगे इसके परिचय, जैसा कि नाम है आपका मीमांसा या पूर्व मीमांसा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है कि मीमांसा शब्द का अर्थ, जो मीमांसा शब्द है, मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है, किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या जिज्ञासा। तो मीमांसा का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु है, ये कलम है मान लीजिए, इसके वास्तविक स्वरूप को जानना या इसके बारे में जानने की इच्छा करना, जिज्ञासा करना, ये है एक्चुअली में मीमांसा दर्शन। और उस पर देखेंगे हम लोग, देखते हैं वेदों में, वेदों जब जो किसी भी वेद को उठाकर देखेंगे तो उसके दो पार्ट होते हैं, उस किसी भी वेद के दो भाग होते हैं, एक में कर्म कांड की व्याख्या की जाती है, एक कर्मकांड होता है, दूसरा ज्ञान कांड होता है। तो जो कर्मकांड होता है वेद का, वह पार्ट जो कर्मकांड से युक्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस कर्मकांड के बेसिस पे जो दर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कर्म मीमांसा बोलते हैं, या उसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, कर्म मीमांसा या पूर्व मीमांसा बोलते हैं। और जो ज्ञान कांड के आधार पर जो दर्शन होता है उसको ज्ञान मीमांसा कहते हैं, या वेदांत दर्शन कहते हैं। तो वेदांत दर्शन का जो वर्णन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ पर हम लोग पूर्व मीमांसा अर्थात कर्म कांड आधारित हम लोग जो वेद में है अर्थात दर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये देखेंगे पूर्व मीमांसा दर्शन, या सिंपली हम लोग जिसको कर्म मीमांसा या मीमांसा बोलते हैं, उसका मुख्य विषय क्या है, जो इस दर्शन की बात कर रहे हैं, इस दर्शन का मुख्य विषय क्या है, वो है धर्म। क्या है, धर्म। इसलिए इसका पर्याय क्या था, धर्म मीमांसा था। तो इस दर्शन का मुख्य विषय क्या है, धर्म है। अब बात आती है कि धर्म किसे कहते हैं, तो धर्म की बात करें, जिससे कल्याण की प्राप्ति हो वही धर्म है, जिससे जिस कार्य से कल्याण की प्राप्ति हो वही धर्म है। तो हम लोग कहते हैं ना कि अपने अपने धर्म का पालन करो, जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी का धर्म क्या है, पढ़ाई लिखाई करना। मान लीजिए कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है तो उसका धर्म क्या है, मेहनत मजदूरी करना। कोई अध्यापक है तो उसका धर्म क्या है कि उसका धर्म यह है कि पढ़ाना बच्चों को। तो जिससे कल्याण कार्य होता रहे, जिससे कल्याण की प्राप्ति हो वही धर्म कहलाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि पूर्व मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका नाम क्यों पड़ा, तो क्योंकि इसमें ज्ञान का विचार करने से पूर्व, किसी भी ज्ञान का विचार करने से पूर्व कर्म अर्थात कर्म कांड को समझा जा सकता है। तो किसी भी इसका पूर्व मीमांसा में का नाम पूर्व मीमांसा क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें ज्ञान का विचार करने से पूर्व कर्म अर्थात कर्म कांड को समझा जा सकता है, इसलिए इसका पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन कहा गया है। अब आइए बात करते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य और उनके ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि पहला जो हम लोग देखते हैं आचार्य जैमिनी, आचार्य जैमिनी का जो एक तरह से पूर्व मीमांसा दर्शन पे जो शास्त्र लिखा गया है उसको बोलते हैं सूत्र, पूर्व मीमांसा सूत्र, पूर्व मीमांसा सूत्र जो कि आचार्य जैमिनी के द्वारा इस मीमांसा दर्शन पे लिखा गया है। तो देखेंगे सबर स्वामी, सबर स्वामी के जो जो रचना है किस पे है, सबर स्वामी का जो पूर्व मीमांसा सूत्र पर भाष्य है, सबर स्वामी का भाष्य है लेकिन किस पे है, पूर्व मीमांसा मीमांसा सूत्र पर है। उसमें देखें कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट का जो एक रचना है तंत्रवार्तिक और श्लोकवार्तिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्लोकवार्तिक और तंत्रवार्तिक कुमारिल भट्ट की है, और किस पे है,
पूर्व मीमांसा सूत्र पर है। अब आइए बात कर लेते हैं, हम लोग इसके दूसरे पहलू की बात कर लेते हैं, देखेंगे कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, मेन प्रिंसिपल्स, मेन थ्योरी कौन कौन से इस दर्शन की, जिसको हम लोग को अच्छे समझना है। देखेंगे प्रथम सूत्र क्या है, अथातो धर्म जिज्ञासा। पहला जो फार्मूला है, मतलब किस चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे तो जो पहला श्लोक मिलेगा, पहला श्लोक क्या मिलेगा, अथातो धर्म जिज्ञासा। अथातो धर्म जिज्ञासा, अतः अब हम धर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये है इसका प्रथम सूत्र। दूसरा प्रिंसिपल या प्रमुख सिद्धांत में है मोक्ष। मोक्ष मतलब इस मोह माया की दुनिया से परे हो जाना। तो मोक्ष को डिफाइन उन्होंने किया गया है कि शरीर बंधन, शरीर इंद्रिय और विषयों का जो संबंध ही बंधन है। तो शरीर अगर इंद्रिय और विषयों के साथ अगर लिप्त है तो वो बंधन कहता है, कहते ना, इस समाज में, संसार में बंधनों में लिप्त है। लेकिन इसका अभाव होना, इस संबंध का न होना, ये संबंध नहीं है, अर्थात शरीर इंद्रिय और विषयों का आपस में संबंध नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोक्ष की संज्ञा देते हैं। उसको देखेंगे तीसरा सिद्धांत क्या है, अपूर्व मीमांसा, अपूर्व सिद्धांत। तो अपूर्व सिद्धांत ये मीमांसा दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसमें क्या बोला गया है, जो कर्म का, कर्म से उत्पन्न होता है अपूर्व। कर्म से क्या उत्पन्न, किसी भी कर्म, मतलब जब कर्म व्यक्ति करता है तो उसे क्या उत्पन्न होता है, अपूर्व। अपूर्व का मतलब होता है पुण्य और पाप। मान लीजिए कोई कर्म कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसका फल मिलेगा, मतलब कोई ना कोई अपूर्व मिलेगा। अपूर्व मतलब कि पुण्य होगा या अपूर्व होगा। और जब अपूर्व से फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ बोला गया है कोई ऐसी शक्ति, अपूर्व सिद्धांत क्या कहता है, कोई ऐसी शक्ति जो कर्मों के फलों को सुरक्षित रखती है, उसे हम लोग अपूर्व सिद्धांत कहते हैं। एक छोटा सा डिफिनेशन ये हो गया। उसको देखेंगे ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन में ईश्वरवाद के बारे में क्या बोला गया है, बहुत से आचार्यों ने कहा है, उन्होंने इसको अनिश्वरवाद माना है, इस दर्शन को अनिश्वरवाद माना है, क्योंकि इस दर्शन में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्यों। अब बात करते हैं कि इस मीमांसा दर्शन में ईश्वर के बारे में बात किया गया है, तो अनुमान सिद्ध ईश्वर को नहीं माना है, लेकिन वेद सिद्ध ईश्वर को माना है, क्योंकि हम लोग वेद कर्मकांड की बात करते हैं, तो उन्होंने वेद सिद्ध ईश्वर की कल्पना की है। अब बात करते हैं प्रमाण्यवाद। प्रमाण्यवाद अर्थात प्रमाणों के बारे में बात करना है। तो यहाँ पर मुख्यतः पांच प्रमाण की बात की गई है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण और अर्थापत्ति। तो यहाँ पर देखा जाए तो शब्द प्रमाण को उन्होंने जोर दिया है। शब्द प्रमाण मतलब वेदों के बारे में उन्होंने जोर दिया है। लास्ट में देखेंगे हम लोग मीमांसा दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय। तो ये आपके सामने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे, प्रमुख सिद्धांत थे इस दर्शन के, मीमांसा दर्शन के। इस तरह से हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।